हेलो दोस्तों, क्या हम छो मजावा। आई होप कि आप सभी घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे, राइट। सो आज का जो सेशन हमारा रहेगा वो कोई टेक्निकल सेशन नहीं है। मैं आपको कोई लेक्चर जानने यहाँ पे नहीं आऊँ, लेकिन आज मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने यहाँ पे आया, राइट। और इसका रीजन भी बता देता हूँ कि पिछले 2-3 दिन से मेरे पे फ्रिक्वेंटली बच्चों के, जो मेरे स्टूडेंट्स है, उनके कॉल आ रहे हैं कि सर एग्जाम होने वाला है या नहीं होने वाला है, जीटीयू वाले क्या कर रहे हैं, मतलब उनका अभी क्या नेक्स्ट प्लानिंग है सर, राइट। सर मैंने एग्जाम फॉर्म फिल अप ही नहीं किया था, जब जो डेट आई थी, जो शेड्यूल आया था, तो 2-3 दिन बाद लॉकडाउन शुरू हो गया, उसके चलते मैंने फॉर्म फिल अप नहीं किया है, तो सर अभी भी मेरा क्या होगा, राइट। सो बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में अभी चल रहे हैं और बहुत सारे रूमर्स भी जो अफवाह होती है वो फैल रही है, राइट। तो आज मैं यहाँ पे आपके लिए ये सेशन लेके आया हूँ कि जिसमें आपकी क्वेरी हम जितनी पॉसिबल होगी मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर से का विथ माय एक मोटो, क्या है, आई कैन, यू कैन और वी कैन, राइट। तो साथ में रहके आई कैन, यू कैन और वी कैन हम सब साथ में मिलके कर सकते हैं, राइट। तो चलो शुरू करते हैं आज हमारा सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन, जीटीयू एग्जाम फॉर्म के लिए, मतलब जो जीटीयू के एग्जाम फॉर्म आते हैं, राइट, सबसे पहले उन लोगों ने तारीख एक्चुअली 20 मार्च को उन लोगों ने एक सर्कुलर निकाला था जीटीयू वालों ने कि जो प्रीवियस शेड्यूल जो था जिसके अंदर एग्जाम फॉर्म आपको फिलअप करने थे स्टूडेंट्स को, वो शेड्यूल हमने पोस्टपोन कर दिया है। ये सर्कुलर था 20 मार्च का, राइट। दैट मींस जब उन्होंने पहला शेड्यूल निकाला था फॉर दी फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर एंड एट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, तो उस टाइम पे 2-3 दिन के बाद ही सीधा लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। सो इसके चलते बच्चों से फॉर्म फिलअप नहीं हुए थे, राइट। तो जो बच्चों ने फॉर्म फिलअप नहीं किए उन लोगों को ये क्वेरी सता रही है कि सर हमने तो फॉर्म फिलअप नहीं किया, हमारा क्या होगा, हमारी एग्जाम होगी या नहीं होगी। तो भाई घर पे बैठो, सुरक्षित रहो और पढ़ाई करो, फॉर्म फिलअप की कोई चिंता मत करो, नो डोंट टू वरी, ठीक है, घर पे बैठो आप। देखो जीटीयू वालों ने भी सर्कुलर निकाल दिया था 20 मार्च को कि भाई आपका शेड्यूल वो पोस्टपोन हुआ है, और उसके बाद 26 मार्च को एक और सर्कुलर निकला 6 दिन बाद कि जो आपका पोस्टपोन हुआ था एग्जाम फॉर्म फिलिंग का, वो फिलहाल टोटली हमने बंद किया है, न्यू डेट्स जो होगी, नई डेट्स कि आपको कब एग्जाम फॉर्म फिल करने हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। मतलब जब तक जीटीयू में से कोई फर्दर इंस्ट्रक्शन नहीं आती तब तक आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारा फॉर्म सर अभी हमने भरा नहीं है तो हमारा क्या होगा। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घर पे बैठो, सुरक्षित रहो और पढ़ाई करो, फॉर्म फिलअप की चिंता आप छोड़ दो जीटीयू के ऊपर, राइट। तो ये सबसे पहली क्वेरी थी, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी देखते हैं, इज जीटीयू गोइंग टू टेक एग्जाम। देखो काफी जो स्कूल के, मतलब कॉलेज के बच्चे, उन लोगों ने देखा है कि स्कूल के जो बच्चे हैं उनको तो मास प्रमोशन दे दिया गया है, राइट, और जो 10th और 12th की बोर्ड की एग्जाम रहती है उसकी तो एग्जाम हो गई थी, राइट, मतलब जो बाकी के स्टैंडर्ड है उन लोगों का मास प्रमोशन हो गया है, तो क्या हमारा भी सर हो जाएगा, ये क्वेश्चन सता रहा है, राइट। देखो मास प्रमोशन का मेरे ओपिनियन से फिलहाल हो नहीं सकता, राइट, क्योंकि हम कॉलेज के बच्चे हैं, कॉलेज में आप ही सोचो कि कैसे मास प्रमोशन देंगे, राइट, इसमें कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं कि भाई 5वीं क्लास का बच्चा है तो अभी 6वीं में चला जाएगा, राइट, ठीक है। इसमें मास प्रमोशन का मेरे ओपिनियन से काफी कम चांसेस है कि जीटीयू और उसकी जो हायर बॉडी है AICTE और UGC वो ऐसा करेगी कि सारे बच्चों को मास प्रमोशन दे देगी। और समझो आप मास प्रमोशन भी दे दिया तो आपके SPI कितने देंगे, वो लोग कैसे डिसाइड करेगी कि आपके SPI इतने हैं, राइट, कि कितने मार्क्स देने हैं, कितने परसेंटेज बच्चों को देने हैं, कैसे डिसाइड होगा मास प्रमोशन में, राइट। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। हाँ एक बार न्यूज़पेपर में ये भी आया था कि चलो ये जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको प्रोरेटा के जरिए, जो ये प्रोरेटा है उसके जरिए उनको पास किया जाएगा, तो अभी ये प्रोरेटा क्या है, ठीक है, तो प्रोरेटा जो है उसको कहते हैं इन प्रोपोर्शन, इन प्रोपोर्शन, राइट, मतलब कि आपके पिछले सेमेस्टर में आपका, राइट, परफॉर्मेंस कैसा था। अभी आप 6th सेम में हो फिलहाल सपोज, तो आपके 5th सेमेस्टर का रिजल्ट क्या था, उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा था, ये जो है, राइट, उसके चलते आपको 6th सेमेस्टर के रिजल्ट दे जाएंगे, उसको कहते हैं प्रोरेटा, दैट इज इन प्रोपोर्शन, राइट। तो फिलहाल मुझे, मेरा अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ओपिनियन, कि ये भी सही नहीं होगा कि पिछले सेम में, 5th सेम में आपने, मतलब सपोज आपका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं है,
कुछ निजी कारणों के चलते, लेकिन सिक्स सेमेस्टर में आपने बढ़िया परफॉर्म किया है, आपने सारे लेक्चर अटेंड किए हैं, आपने अच्छी सी पढ़ाई की है, सो इट डजंट मीन कि फिफ्थ सेम में आप वीक थे, आपका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं था, तो सिक्स सेम में भी आपको कम मार्क्स मिले, राइट। तो मैं ये जो एक्टिविटी है, मतलब ये जो मेथड है प्रोरेटा की, उसके अगेंस्ट हूँ। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन प्रपोजल से आपको मार्क्स दिए जाए, राइट। सो प्रोरेटा से मार्क्स देने में आई एम नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड, राइट। तो ये भी चीज नहीं होगी। तो जो एग्जाम होगी तो होगी तो किस टाइप की होगी, विच टाइप ऑफ एग्जाम इज हिम, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई हमें तो सर सुनाई दे रहा है कि एमसीक्यू होने वाला है, हमें तो सर सुनाई दे रहा है ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, तो होगा क्या सर, मुझे भी नहीं पता भाई। देखो ये जो है ना सब अफवाह है, अभी कुछ न्यूज़पेपर में मसाला डालने के लिए छाप देते, कुछ कॉलेज वाले ऐसे बोल देते कि भाई हम तो ये करने वाले हैं, लेकिन जो कोई भी डिसीजन होगा वो जीटीयू वाले लेंगे। और जीटीयू ने क्लियर कट बोला है जो 13 अप्रैल का सर्कुलर उनमें, कि जो एग्जाम रिलेटेड जो भी है, क्या है, कैसे करनी है, वो सारा कुछ वो हायर अथॉरिटी, जो हायर बॉडी है EICT और UGC, उन लोगों की गाइडलाइन से वो फॉलो करेंगे, राइट। मतलब पॉसिबिलिटी है कि एमसीक्यू हो, आपकी एग्जाम एमसीक्यू में हो, तो कैसे करेंगे, राइट। तो उसके लिए आपको उसका रिसोर्सेज चाहिए, मेड मींस आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए या फिर लैपटॉप होना चाहिए। फिलहाल सभी बच्चों के पास ये चीज अवेलेबल नहीं होगी, सभी के घर पे कंप्यूटर होना जरूरी नहीं है, राइट। सो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। उन लोगों ने सोचा कि कोई प्राइवेट कंपनी को हायर करके लोकेशन वाइज एरिया वाइज उनको बिठा के एग्जाम लेते हैं, तो उन लोगों को जो हायर करना है उनके पीछे का खर्चा नीट वगैरह सब, ये भी बहुत ही कॉस्टली होगा कंपेयर टू जो कन्वेंशनल जो चली आ रही मेथड, राइट, उसके कंपेयर में। सो फिलहाल मुझे ये भी लग रहा है कि जो एमसीक्यू वाली है एग्जाम, वो काफी दिक्कत वाली रहेगी जीटीयू के लिए भी, ना सिर्फ बच्चों के, राइट। सो आपको तो दिक्कतें रहेगी क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ऑनलाइन एमसीक्यू देने जा रहे हैं, मतलब कैसे करना है, एक बार हमने ऑप्शन में मतलब आंसर दे दिया और बाद में सोचा कि अरे वो तो गलत हो गया, तो क्या आप उसको करेक्ट कर सकते हो, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है इस ऑनलाइन झमेले में। सो मेरा मानना है कि जीटीयू सोचेगी इसके बारे में और इसके चांसेस बहुत ही कम है कि एमसीक्यू और ऑनलाइन टेस्ट होगा, राइट। तो आप यही सोचिए कि आपकी एग्जाम रिटर्न होने वाली है और घर पे बैठ के आप इसी की तैयारी करो, राइट। लेकिन साथ में एमसीक्यू की भी तैयारी करो, अगर आप फ्री हो तो आराम से वो करो, क्योंकि ये आपको आगे जाके आपके फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, राइट। तो व्हाट टू डू, तो क्या करना है, चलो ये सारे क्वेश्चन तो हो गए सर, तो करे क्या सर, घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, करे क्या, राइट। देखो भाई लॉकडाउन ना सभी के लिए चल रहा है, लेकिन एक बात दिमाग में डाल दो जो मैं बोल रहा हूँ, आप मतलब जो स्टूडेंट है ना घर पे, उन लोगों के लिए लॉकडाउन नहीं है, आप समझो आपके लिए ये रीडिंग वैकेशन है। अगर आपने अपनी ये सोच बदल दी ना कि सर हम लॉकडाउन में नहीं, हम रीडिंग वैकेशन में है, तो डेफिनेटली आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। फिलहाल क्या चल रहा है, आपका माइंड क्या सोच रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, कि आप घर पे बैठे हो, लॉकडाउन चल रहा है, सब डरे हुए हैं कि भाई घर से बाहर नहीं जाना है, न्यूज में तरह तरह की बातें दिखाते हैं, राइट, आज इतने केस आए, यहां से इतना केस आया, ये हॉटस्पॉट एरिया है, राइट। तो ये सब झमेले में आप मत पड़ो, आप न्यूज देखो एक दो घंटा, ठीक है, राइट। आप बोर हो रहे हो, थोड़ा मतलब मजा नहीं आ रहा है, तो पबजी खेलना चाहते हो, पबजी खेलो। आई नो कि बहुत सारे बच्चे खेलते होंगे पबजी, राइट। सो पबजी खेलना चाहते हो एक दो घंटा खेलो, लेकिन बाकी का जो टाइम है उसका यूटिलाइज करो, राइट, उसको प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट करो, पढ़ाई करो, एमसीक्यू भी करो। देखो आप जैसे आप मैंने बताया कि एग्जाम होने वाली है, कैसी होगी पता नहीं है, प्रोबेबिलिटी चांसेस रिटर्न एग्जाम के ज्यादा है कंपेयर टू एमसीक्यू आर या फिर ऑनलाइन। मतलब फिलहाल आप रिटर्न टेस्ट को फोकस करके अपनी जो प्रिपरेशन है वो करो, राइट, और साथ में पैरेलली एमसीक्यू की भी तैयारी करो, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप 16 मई तक घर में बैठे हो, राइट। तो एमसीक्यू की तैयारी क्यों करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप प्री फाइनल ईयर के बच्चे हो या फिर फाइनल ईयर के बच्चे हो, तो जैसे ही आप अपना बैचलर या फिर आप पीजी में हो तो वो खत्म करोगे, राइट, मास्टर खत्म करोगे या बैचलर खत्म करोगे, तो उसके बाद आज का जो सिनारियो है, आज जो मार्केट में चल रहा है ना, वो मैं बताता हूँ, राइट। जब भी मार्केट में जाओगे तो फिलहाल इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ रहे हैं किसी भी जॉब के लिए, राइट, दो पोस्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोई छोटी सी कंपनी है
वहां पे दो पोस्ट है, तो वो दो पोस्ट के लिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन आती है जॉब के लिए। तो चलो बाइफर्केट कैसे करना है, राइट? फिर जॉब कंपनी में है, फिर जॉब कोई कॉलेजेस में एज अ प्रोफेसर की है या असिस्टेंट प्रोफेसर की है। तो फिलहाल ट्रेंड क्या चल रहा है, बहुत सारी एप्लीकेशन आई, अब सबको बैठ के उनका एनालिसिस तो कर नहीं सकते, किसी के पास टाइम कहाँ है भाई, राइट? तो वो लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करेंगे, और टेस्ट कैसा होगा, एमसीक्यू टाइप टेस्ट होगा, राइट? तो देखो आप प्री फाइनल ईयर के हो या फाइनल ईयर के बच्चे हो, तो अभी से स्टार्ट कर दो एमसीक्यू का प्रिपरेशन, जो आपको फ्यूचर में बहुत ही काम आने वाला है। तो ये बात हुई आपके जॉब के लिए, राइट? फिर दूसरी है, आपको हायर स्टडी के लिए जाना है। तो हायर स्टडी के लिए जाना है तो आपको गेट में अपियर होना पड़ेगा, और गेट जो एग्जाम है वो भी एमसीक्यू टाइप की ही है, राइट? तो वहां पे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आपने अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, और अगर जीटीयू वालों ने एमसीक्यू की एग्जाम ली तो डेफिनेटली बहुत काम आने वाला है। तो आपको दो रीडिंग भी करना है और एमसीक्यू भी तैयारी करनी है। तीसरा पॉइंट बताता हूँ, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, राइट, ऑयल की जो कंपनियां है, राइट, वेल है और जो इंडियन ऑयल है, ये सारी कंपनियां है बड़ी बड़ी, तो वहां पे भी क्या चल रहा है अभी फिलहाल ट्रेंड, कि अगर आपको वहां पे जॉब चाहिए तो पहले एमसीक्यू की एक पूरा टेस्ट रहता है, वो पहले क्लियर करना पड़ता है। मतलब सबसे पहला प्लेटफॉर्म यही है एमसीक्यू, उसमें मार्क्स लाओ और आगे चलो। और ये जब ये जो सारी एग्जाम रहती है ना, उसमें आप जय माता जी के, भारत माता की जय करके टिक करके निकल नहीं सकते, राइट? मतलब आपको ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही कम टाइम में उसका आंसर देना होता है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि जीटीयू एग्जाम लेगा या नहीं लेगा, ये झमेले में मत पड़ो। लेगा तो किस टाइप की लेगा, एमसीक्यू लेगा या फिर रिटर्न लेगा, इसके अंदर भी आप ज्यादा मत उतरो। आपको दोनों की तैयारी करनी है, और क्यों करनी है वो भी मैंने आपको उसका बता दिया पर्पस, कि भाई रीडिंग करो तो रीडिंग क्यों करो, और एमसीक्यू तो एमसीक्यू भी क्यों, राइट? आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। और तीसरी, मतलब लास्ट में आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है, ये आपके लिए लॉकडाउन नहीं है, आपके लिए रीडिंग वैकेशन है। जब ये आप सोच लोगे ना कि हाँ ये मेरे रीडिंग वैकेशन है, तभी आप पढ़ पाओगे। सो सोचो आज से ही कि ये रीडिंग वैकेशन चल रहा है और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, राइट, समझ लो कई बच्चे ये जो सेशन है ना, ये देखने के बाद बोलेंगे सर हमारे पास मटेरियल नहीं है, क्या घर पे बैठ के पढ़ाई करें। हम पूर बच्चे, हम मिडिल क्लास में आते हैं, हमारे पास कोई हार्ड कॉपी है ही नहीं। तो भाई देखो एंड्रॉइड फाइव, अभी एंड्रॉइड फोन जो होता है ना, सबके पास होता है, राइट? ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि जिसके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। तो आपके एंड्रॉइड फोन में आप कोई भी पीडीएफ बुक डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई पीडीएफ बुक नहीं है और कोई भी सब्जेक्ट की आपको बुक चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप, जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर मैं भेज रहा हूँ, तो उसके ऊपर आप मुझे मैसेज ड्रॉप करो कि सर मुझे ये सब्जेक्ट की पीडीएफ कोई भी बुक चाहिए, मैं आपको वो भेज दूंगा। अगर पूरी बुक नहीं मुझे मिली तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, लेकिन पढ़ाई को मत रोकने देना, राइट? पढ़ाई करते रहना, घर पे रहो, सुरक्षित रहो और पढ़ाई अपनी चालू रखो। ये जो जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर मत पढ़ो, राइट? आपका काम पढ़ाई करना है तो आप पढ़ाई करो, मेरा काम पढ़ाने का है तो मैं पढ़ाऊंगा, राइट? आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो या फिर मुझे मोबाइल पे कॉन्टेक्ट करो, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी। तब तक के लिए हमारा जो मोटो था उसी से एंड करेंगे, आई कैन, यू कैन, वी कैन। थैंक यू।